नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, गर्मी का समय आ गया है और बाजार आम से भरे पड़े हैं। हम आम तो यूं ही खाते ही हैं, पर मैंने सोची क्यों ना आम से आज कोई स्वीट डिश बनाई जाए। इसलिए आज मैंने बनाई है खुरचन वाली आम रबी। इसे बंगाली में आम खीर कहते। टेस्टी होती है, या बाजार का मिठाई भूल जाएंगे। इसे आप एक बार बनाकर फ्रिज में रख दें और कई दिनों तक इसके स्वाद का आनंद लें। तो चलिए बनाते हैं आम रबी। इसके लिए मैं यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ और इसमें से मैं 2 आम का इस्तेमाल करूँगी। एक आम की मैं प्यूरी बना लूँगी और दूसरे आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। खुरचन वाली रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ एक पैन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेती हूँ। को पैन में डालने के बाद ही गैस को ऑन करें। अगर हो सके तो दूध डालने से पहले पैन को पानी से भिगो लें, इससे दूध जलने के चांसेस नहीं रहती है। अब गैस को ऑन कर देती हूँ और फ्लेम को मध्यम कर एक उबाल आने देती हूँ। एक उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूध को धीरे धीरे काढ़ेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रही है, तब तक एक आम की प्यूरी बना लेती हूँ और दूसरे आम को छोटे छोटे डाइस में काट लेती हूँ। दूध में एक उबाल आ चुकी है, अब इसे एक बार अच्छी तरह से चला देती हूँ। अब फ्लेम को लो कर दूंगी। खुरचन वाली रबड़ी बनाने के लिए दूध को लगातार नहीं चलाना है, इसे बीच बीच में रेस्ट भी देना है ताकि दूध के ऊपर मलाई जम सके। और जब दूध पर इस तरह मलाई आ जाए तो स्पैटुला की सहायता से इसे पैन के किनारे कर दें और फिर तुरंत ही इसे खरोच खरोच कर दूध में मिलाते रहें। पर ध्यान रहे कि रबड़ी लो फ्लेम पर ही बनाएं, पर आवश्यकता अनुसार आप बीच बीच में फ्लेम को मध्यम कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फ्लेम को हमेशा लो पर ही रखें और इससे बहुत अच्छी खुरचन वाली रबड़ी बनती है। काटते काटते दूध 750 ml के करीब रह गई है। अब मैं इसमें 7 ग्राम चीनी डाल देती हूँ। 1 लीटर दूध की रबड़ी बनाने के लिए 60 से 70 ग्राम चीनी लगती है। यहाँ मैं 60 ग्राम डाल रही हूँ और 10 ग्राम चीनी आम के पल्प में मिलाऊंगी। लो फ्लेम में बहुत ही प्यार से आहिस्ता आहिस्ता दूध को काढ़ना पड़ता है, तभी जाकर अच्छी खुरचन वाली रबड़ी बनकर तैयार होती है। अब इसी समय मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देती हूँ, साथ में कुछ ड्राई नट्स जिसमें काजू, पिस्ता और बादाम है, जिसे मैं लंबा लंबा काट के रखी हूँ, डाल देती हूँ। अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह मिला देती हूँ और लो फ्लेम में दूध को आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी देर काढ़ लेती हूँ। स्पैटुला को पैन के तले तक चलाएं, जिससे दूध पैन के तले में न लगे। ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हो रही है। काटते काटते दूध 400 ग्राम के करीब रह गई है, रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे मैं गैस से उतारकर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब एक दूसरे पैन में आम के पल्प को डाल देती हूँ। और साथ में 10 ग्राम चीनी मिला देती हूँ। अब गैस को ऑन कर देती हूँ और लो फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए पका लेती हूँ। रबड़ी के उलट इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। चीनी डालने के बाद यह और ज़्यादा लिक्विड हो गई है, इसके पानी को सुखा लेना है। जब इसमें इस तरह के बुदबुदे आने लगे और पल्प इस तरह गाढ़ी हो जाए तो समझे आम का पल्प तैयार हो गया है। अब इसे गैस से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। रबड़ी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर में आ चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी खुरचन वाली रबड़ी बनकर तैयार हुई है। इधर आम का पल्प भी ठंडा हो चुका है, आम के पल्प को रबड़ी में डाल देती है और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला देती है। रबड़ी और आम के पल्प को अच्छे से मिला चुकी हूँ। लाजवाब खुरचन वाली आम की रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक बॉल में सर्व कर देती हूँ। अब एक बॉल में खुरचन वाली आम की रबड़ी को सर्व कर देती हूँ। ऊपर से डाइस में कटे हुए आम के टुकड़े डाल देती हूँ। इस
उसके ऊपर कतरी हुई पिस्ते डाल देती हूँ और चारों ओर आलमंड और काजू के टुकड़े से गार्निश कर देती हूँ। तो ये रही मेरी कुचन वाली आम की रबड़ी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।